सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट पीपीएस के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर मेरी वीडियो डेली देखते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। 24 नवंबर 2021 की फाइल है। 29 दिसंबर को इनके बायोमेट्रिक हुए। 21 फरवरी 2022 को मेडिकल अपडेट हुआ। 29 अप्रैल को इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ एंड 12 मई को कल इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 9 दिसंबर 2021 की फाइल है। 24 दिसंबर 2021 को बायोमेट्रिक हुए, 11 मई 2022 को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई थी। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 22 अक्टूबर 2021 की एक और टाइमलाइन है। 7 दिसंबर 2021 को बायोमेट्रिक हुए, 14 जनवरी 2022 को मेडिकल पास हुआ, रिव्यू स्टार्ट इनका मिड अप्रैल 2022 में हुआ था एंड उसके बाद 11 मई 2022 को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई। एंड इन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारे वेबफॉर्म जो है अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए रेस किए, अप्लाइड अवर सेल्फ, अपने आप ही इन्होंने अप्लाई किए, अपने एजेंट से भी करवाए एंड उसके बाद ओटावा ऑफिस को मेल भी किए अपनी फाइल को प्रोसेस करवाने के लिए। सो इन्होंने अपनी जो ओटावा की ईमेल आईडी है वो भी साथ में मेंशन किया, आप भी कर सकते हो। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। हाय एवरीवन, आई एम हर्षा योगी, विलेज उद्दा, हरियाणा। माई फाइल सबमिशन कन्फर्मेशन 21 अक्टूबर, मेडिकल पास 11 फरवरी, 11 मई, पीपीआर नाइट रात को 9:30 बजे इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 8 दिसंबर 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक अपडेट हुए इनके 10 दिसंबर 2021 को, मेडिकल पास एंड अपडेट हुआ इनका 15 फरवरी 2022 को, रिव्यू स्टार्ट हुआ इनका 8 अप्रैल 2022 को एंड फाइनली 11 मई को इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी गॉड, माई हस्बैंड गॉट पीपीआर टूडे, 1 मार्च 2021 की फाइल है। टाइमलाइन 1 मार्च 2021 की। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट 7 मार्च 2022 को मिली। एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए इन्होंने 9 मार्च को, 12 मई को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके आना। अगर आज भी बहुत सारी पीपीआर आई तो आज भी हमारे 2 या 3 पार्ट जरूर आएंगे। सो ये वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। टिल देन, बाय बाय।